राजनीति से जुड़ी हर खबर चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। कश्मीर में क्या हो रहा है? कश्मीर पर क्या मोदी सरकार कोई बड़ा फैसला लेने वाली है? ये सब सवाल है जो हर किसी के मन में उठ रहे हैं। घाटी में हजारों की संख्या में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, साथ ही साथ कई राजनेताओं को नजरबंद भी कर दिया गया है, फोन बंद कर दिए गए हैं, धारा 144 लागू है। ऐसे में घाटी पर हर किसी की नजर है। जम्मू कश्मीर में इस तरह के हालात कारगिल के बाद पहली बार बने हैं। कारगिल के वक्त में भी लैंडलाइन बंद नहीं किए गए थे, लेकिन इस बार इन पर भी पाबंदी है। रविवार रात को जम्मू कश्मीर में हालात काफी तेजी से बदले। ऐसे में पिछले 24 घंटे में क्या क्या फैसले लिए गए हैं, आइए इन अपडेट्स में देखें। श्रीनगर और जम्मू में सुरक्षा के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई है। आम लोगों को बाहर ना निकलने के लिए कहा गया है। ऐसे में लोगों के ग्रुप में एक साथ बाहर निकलने पर भी रोक लग गई है। पूरी घाटी में मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। पहले सिर्फ मोबाइल सेवा रोकी गई और उसके बाद में लैंडलाइन सर्विस भी रोक दी गई है। ऐसे में सुरक्षा बलों को अब सैटेलाइट फोन दिए गए हैं ताकि किसी भी स्थिति को संभाला जा सके। सिर्फ जम्मू में ही सीआरपीएफ की 40 कंपनियों को तैनात किया गया है। इससे पहले कश्मीर में ही हजारों की संख्या में अतिरिक्त सुरक्षा पहले से ही तैनात किए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर के सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। 5 अगस्त को यूनिवर्सिटी में होने वाली परीक्षा को भी अगले आदेश तक के लिए टाल दिया गया है। घाटी से पर्यटकों को वापस अपने घर जाने के लिए कहा गया है। पिछले 24 घंटे में 6000 से अधिक यात्रियों ने कश्मीर छोड़ दिया है। सरकार के आदेश पर एयरलाइंस ने भी अपने किराए में बढ़ोतरी नहीं की है। देर रात को जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला और सज्जाद लोन को नजरबंद कर दिया गया। दोनों ही नेताओं ने रात को ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी। दोनों ही नेता लगातार ट्वीट कर अपील कर रहे थे कि सरकार को साफ करना चाहिए कि कश्मीर में क्या हो रहा है। सियासी हलचल के बीच ही जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने देर रात को सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ी बैठक बुलाई थी। उन्होंने डीजीपी, मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों से मिलकर राज्य का हाल जाना था। वहीं जम्मू कश्मीर पर हलचल के बीच आज दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है। कैबिनेट की बैठक अक्सर बुधवार को होती है, लेकिन सियासी हलचल को देखते हुए प्रधानमंत्री आवास पर होने वाली ये बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है। तो दोस्तों, ये थे अब तक के अपडेट्स। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।